NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष. मेरे साथ हैं RJD के प्रधान महासचिव. आइए इनसे बात करेंगे, आलोक जी से, कि आखिर लोकसभा चुनाव में जो हार, लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, अब कैसे विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी रही है, इसलिए हारना और जीतना ये सब सिलसिला रहा है. हमारे पुरखों, राजनीतिक पुरखों ने हमें सिखाया है कि हार के समय, हार और जीत डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, और जो मैंडेट जनता ने दिया है उसका सम्मान होना चाहिए. आने वाले दिनों में हम भी जनता के बीच रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और जनता को खुद भी एहसास जो होगा, और उसके साथ साथ हम भी चाहेंगे कि जिनको मैंडेट मिला है वो लोग बिहार को सही रास्ते पर, देश को सही रास्ते पर ले चलें. और बिहार में अब चुनाव 1-1.5 साल में होने वाला है. बिहार की जनता पर हमें भरोसा है. तो मैंडेट का सम्मान कहाँ आपकी पार्टी करती है? आप लोग तो EVM को दोष दे रहे हैं. मैं अभी कह रहा हूँ कि वो सब तो जांच का विषय है, और किसी, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है. हमें स्वतंत्रता है तो हम अपनी जो भावना है उसको जरूर प्रकट करेंगे. जो पैटर्न है इलेक्शन में, जो रिजल्ट का पैटर्न है, उसको देखकर एक RJD ही नहीं, RJD के लोग ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस पर एक मैंने शंका जताई है. किसी ने बहुत ऑथेंटिक मतलब इस तरह का आरोप नहीं लगाया है हमारी पार्टी ने. अच्छी बताइए, आपकी पार्टी कैसे फिर से खड़ी होगी? आपस में ही पूरा मारकाट मचा हुआ है, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तेजस्वी तेज प्रताप पार्टी के नेतृत्व के लिए. अरे, हमारी पार्टी सिर्फ दोनों भाई थोड़े हैं. हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, और उसके बाद पूरे बिहार की जो समाजवादी सोच, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली जनता है. और हम मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नेता माना है, नेता बनाया है, और सभी जो माननीय विधायक हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है हमारे, उनको नेता मानने को तेज प्रताप ही तैयार नहीं है. लोकसभा में कितना हंगामा किया. अच्छा, किसने अभी परीक्षा ले ली और किसने वोटिंग करवा लिया उनके पक्ष और विपक्ष में? अरे, ये आपस का ओपिनियन डिफरेंस भी नहीं है, ये सर मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे विरोधियों के द्वारा, विरोधियों की यही चाल है, क्रिएट किया हुआ ये सब चीज़ है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सबके अपने अपने रहने का तरीका है, रहने के तरीके पर टिप्पणी होती है. तेजस्वी तेज प्रताप में किसको काबिल मानते हैं? तेज प्रताप कहते हैं कि हम लालू जैसा हैं. नहीं, इसमें सभी हमारे काबिल मित्र हैं और पार्टी के काबिल नेता हैं. लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका एक लंबा अनुभव रहा है. लेकिन भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेज प्रताप के खिलाफ अनुशासन समिति में मामला गया है, कार्रवाई भी हो सकती है. तो उन्होंने, भाई वीरेंद्र पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं. आपने जो पूछा किसी विषय के बारे में, तो एप्लीकेशन तो जा ही सकता है, कोई अपनी बात तो रख ही सकता है, कई नेताओं ने रखा. अनुशासन समिति में उनके खिलाफ मामला गया है? तो मुझे नहीं मालूम है. अनुशासन समिति के अध्यक्ष अलग हैं, वो कमिटी अलग है, और सब अपना अपने हिसाब से काम करते हैं. प्रधान महासचिव हैं आप पार्टी के, आपको इतनी जानकारी नहीं रहेगी तो पार्टी कैसे चलेगी? मैं किसी कमेटी के आंतरिक मामले में प्रधान महासचिव होने के बावजूद कैसे इंटरफेयर? पार्टी के आंतरिक मामलों में तो आप देखेंगे, उसका कुछ रिजल्ट आएगा तभी ना आप उस पर कोई बात कर सकते हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, मैंने प्रजातांत्रिक. तेजस्वी यादव ने तो अपनी काबिलियत साबित की है, पूरा देश मान लिया है लालू यादव की जगह पर कि तेजस्वी यादव पार्टी के प्रधान हैं और चला रहे हैं. फिर तेज प्रताप क्यों नहीं मान रहे हैं? किसने कहा कि नहीं मान रहे हैं? किसी ने कहा? अरे, बगावती तेवर था लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए. वो इसका मतलब ये थोड़े है कि तेजस्वी प्रसाद पर किसी तरह का क्वेश्चन है. नहीं, तेजस्वी पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ. सुनिए, बताते हैं, परिवार के आंतरिक मामलों को अंदर रखने की ज़रूरत है, वो अंदर पार्टी है, तो पार्टी की अपनी जो, पार्टी का अपना जो तरीका है उसके हिसाब से ही सॉल्व होगा. माननीय लालू प्रसाद जी सबसे बड़े नेता हमारी पार्टी के हैं, वो अभी हैं,
और सब चीजों पर नजर रखा। कहा जा रहा है आलोक जी यही कि तेज प्रताप से नाराज होकर तंग आकर ही तेजस्वी एक महीने तक गायब रहे, ये कयास लगाया जा रहा है। और कयास तो विभिन्न तरह के कयास हमेशा लगाए जाते रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इन चीजों का उनसे कोई लेना देना है। तेजस्वी प्रसाद या किसी भी व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ हो सकता है। हम दो महीना तक इलेक्शन में लगातार अनवरत मैंने घूमते रहे, परेशान रहे, तो कुछ हमारे व्यक्तिगत नीड्स भी होंगे ना, कुछ आराम करना होगा, कुछ व्यक्तिगत काम होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर रोज हम मीडिया को बताकर और जनता को बताकर थोड़े जाएंगे। शिवानंद तिवारी ने तो कहा ना जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं पार्टी के स्थापना दिवस में आप तो थे, उन्होंने कहा कि शेर का बच्चा है तो मान में क्यों रहेगा, आप एक जाति को लेकर क्यों चल रहे हो, सबको लेकर चलो, ये नसीहत देनी पड़ी। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ओपिनियन एडवाइस तो लोग दे ही सकते हैं और दे रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी है इसलिए ओपिनियन दे रहे हैं, किसी ने लालू यादव की पार्टी होती तो कोई नहीं बोलने की हिम्मत जुटाता। मैं कह रहा हूँ है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माननीय लालू प्रसाद जी ने भी इनेबल किया, अलाउ किया, बहुत सारे लोग अलग डिफरेंट ओपिनियन दिए उसको उन्होंने। हाँ, वेलकम करना नहीं करना, डिसीजन लेना ये नेता पर निर्भर करता है। हमारी पार्टी ने तो कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया इन चीज़ों के प्रति। तेजस्वी की आरजेडी बदल गई है, आप मानते हैं कि नेता पार्टी के तेजस्वी की भी शिकायत कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, तेजस्वी कुछ बोलते भी नहीं हैं, सुनते भी हैं? ये पार्टी के प्रजातांत्रिक और प्रजातांत्रिक होने का लक्षण है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लालू की आरजेडी बदल रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रही है। हाँ, तो क्या इसमें दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बदल रही है ना तेजस्वी की आरजेडी। अरे समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए ना। माननीय लालू प्रसाद जी हमारे माने हमारी पार्टी नहीं, देश के एक बड़े नेता थे, तो उनका एक बड़ा लंबा अनुभव था। उनका कोई भी जो वर्डिक्ट होता था, कोई बात होती थी, उसको सभी लोग मानते थे। अब कोई एडवाइस भी दे रहा है तो दिस इज़ वेल गुड, क्योंकि हमारे नेता है, उस एडवाइस को सुन रहे हैं, कम से कम बॉक्स में तो रख रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों रिएक्ट करेंगे भाई, ये किसी का ओपिनियन है और सब पर्सनल लेवल पर ओपिनियन देते हैं, और पार्टी में तो मतलब ये होना चाहिए। ये अलायंस रहेगा महागठबंधन का? उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं कमाल दिखा पाए, जीतन राम मांझी का दलित वोट बैंक काम नहीं आया, मुकेश सहनी का वोट मिला फिर भी कुछ नहीं हो पाया। देखिए अलायंस वगैरह की बात तो अब थोड़ा आने वाले दिनों में फिर अभी बात होगी, अभी तो विचार होगा। पिछले चुनाव का अलायंस हमारा था, ठीक है, अब आगे आने वाले दिनों में माननीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सब उस पर विचार करेंगे। गठबंधन के स्वरूप पर, महागठबंधन के स्वरूप पर विचार होगा, पुनर्विचार होगा? नहीं, पुनर्विचार नहीं होगा, अब क्या होगा ये आगे होगा, अभी पुनर्विचार का मामला नहीं, यही स्वरूप नहीं रहा। नहीं, अभी तो चुनाव हमने गठबंधन के साथ लड़ा ना, हम लोग अभी तक लगातार बैठ उठ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे कहें कि पुनर्विचार होगा? एडिशन हो सकता है। वोट तो दिलवा नहीं पाए उनको, उतना सीट दीजिएगा जितना मांगेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े दिया हुआ था, ये अलग अलग पार्टियाँ थी, सब मिलकर आई लड़ने, और पूरे देश के माहौल को, अब मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव का जो रिजल्ट आया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। अब कोई दे सका नहीं दे सका, और हम लोग सिर्फ जाति आधारित मामला तो है नहीं, विभिन्न तरह के माने सबसे पहले तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हमारे साथ आए। इतना दिन सामाजिक न्याय चलेगा? शिवानंद तिवारी तो यही कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के आप नारा छोड़िए, नारा बदलिए, तभी खड़ा हो पाइएगा। न्याय हमेशा न्याय होता है किसी भी परिस्थिति में, तो न्याय का पक्ष तो हमेशा रहना चाहिए। जनता भी यदि सामाजिक न्याय को विश्लेषण करके देखिए तो जनता भी इस पक्ष में है कि हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय किसी पार्टी का, किसी नेता का होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता वो तो हमारे माने जो ये संविधान है उसकी मूलभूत संरचना में है, तो फिर आप उसको कैसे डिस्कार्ड कर दीजिए? तेजस्वी यादव पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुटे? बिल्कुल, तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी को नए सिरे से मतलब ओरिएंट कर रहे हैं। संगठन का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही संगठन को दुरुस्त किया जाएगा, और उसके बाद आने वाले दिनों की तैयारी में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में
और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में पार्टी को एक नया आयाम देने का प्रयास। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी तय भी कर चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है कि एकमात्र नेता तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप नहीं है। ये मतलब कुछ चुने हुए मीडिया के द्वारा एकमात्र तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का की भाषा है, भाई वीरेंद्र की भाषा है कि एकमात्र नेता कोई है आरजेडी में तो तेजस्वी हैं, कोई नहीं, जो अपने को बड़े नेता समझते हैं उनकी भूल है, यानी तेज प्रताप। ऐसा नहीं है, ये मीडिया कुछ चुने हुए मीडिया के द्वारा फैलाए गए कन्फ्यूजन की वजह से यह स्पष्ट करना आवश्यक था, शायद इसलिए हमारे नेताओं ने इन बातों पर जोर दिया। इसलिए कि नेता तो कोई एक ही होगा ना, बहुत स्वाभाविक है। तो जो ये हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव का ही रिजोल्यूशन नहीं है, इसके पहले नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यह माननीय लालू प्रसाद जी के सामने रिजॉल्व किया गया था। तो ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं रहा है। ये डिस्प्यूट क्रिएट क्यों नहीं करते, एकमात्र नेता तेजस्वी भाई, ये सब डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश हो जो कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा होती रही है, उनके साजिशों को नाकाम करने के लिए ये सारी बातें। तेजस्वी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा भी ये कि साजिश हो रही है, कौन अफवाह फैला रहा है, हम जानते हैं किसने क्या किया, पार्टी के लोगों के बारे में ही कहा, तो पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ साजिश तो चल रही है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि पार्टी के लोग कोई साजिश कर रहे हैं, पार्टी के मतलब लोग नहीं, पार्टी का मतलब मुखौटा पहन के कोई जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो भी तो कर सकते हैं, तो उनके द्वारा उनके बारे में भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि पार्टी के बारे में बात हुआ कि पार्टी के मुखौटा पहन के पार्टी में है ना, ऐसा नहीं। तो आपने आलोक मेहता को सुन लिया और आलोक मेहता को पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। हालांकि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा विधानसभा चुनाव के पहले ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है, उस पर विचार करने की गुंजाइश है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि समय से आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।